हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी। आज मैं अपने ब्यूट बोलता आई लुक शेयर करने वाली हूँ, जो कि बोल्ड लुक है, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो मैंने इसको गूगल पे देखा था, फिर मैंने सोचा आज ऐसा कुछ ट्राई किया जाए। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे, इससे पहले मेरा सेकेंड चैनल है प्रीति तिवारी 2, जिसमें मैं अपनी ब्लॉग वीडियो अपलोड करते रहती हूँ। और ये जो बैंक कट किया है मैंने, इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके चेक जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी प्यारा लगता है, शॉर्ट बैंक है तो काफ़ी अच्छा लगता है। किस तरीके से कट किया वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप अपने स्किन को अच्छे से क्लीन करोगे, क्लीन करने के बाद से आप अच्छे से टोनिंग करोगे। टोनिंग के लिए मैंने टोनर नहीं यूज़ किया, मैंने यहाँ पे लिया है साहिबा का गुलाब जल। आप अगर टोनर आपको समझ में नहीं रहा, फिर आपके स्किन के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, तो आप गुलाब जल भी यूज कर सकते हो, कि ये एक अच्छा टोनर है ऑल स्किन टाइप के लिए। तो ऐसा स्प्रे वाला गुलाब जल होता है तो वो अच्छा रहता है आपकी स्किन के लिए। तो अच्छे से स्किन को ड्राई होने देंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम लोग मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे। मॉइस्चराइजर के लिए मैंने यहाँ पे लिया वैसलिन जेली, विटामिन B3, SPF भी है इसमें, एंड डेली ब्राइटनिंग के लिए भी काम करता है। अगर आपकी स्किन डल पड़ रही है, डार्क हो रही है, तो ये पिंक वाला बॉडी लोशन आप जो है ये ऑल स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप यूज़ कर सकते हो आपकी बॉडी पे भी एंड फेस पे भी। ये आपके फेस को काफ़ी फेयर करता है, एंड जो भी दिक्कत होती है डार्कनेस की उसको भी रिमूव करता है। तो इसको हम लोग फेस पे मॉइस्चराइजर की जगह पे यूज़ करेंगे और अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब होने देंगे। इसके स्किन पे या फेस पे डार्क पैचेस हैं वो ये वाला ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है इसका रिजल्ट। अब ये करने के बाद हम लोग थोड़ी देर वेट करेंगे ताकि ऑयल स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए जो क्रीम है वो। क्रीम लगाने के बाद जो मेन स्टेप होता है वो है प्राइमर का। प्राइमर हमको लगाना ही लगाना होता है। प्राइमर लगाने से हमारे स्किन एंड मेकअप के बीच में एक लेयर बन जाती है, जिससे जो मेकअप से हमारे स्किन पे हार्म पहुंचता है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, एंड स्किन हमारी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और स्किन हमारी वैसे ही ग्लो करती है। बस आपको मेकअप करने से पहले प्राइमर लगाना है। ये है हुड्डा ब्यूटी का प्राइमर, तो वो इतना सा मैंने लिया है। इसको पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करेंगे ताकि आपके स्किन और फेस के बीच में लेयर बन जाए। और प्राइमर लगाने के बाद से आपका जो मेकअप होता है वो ब्लैक भी नहीं पड़ता है, एंड बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग में मदद करता है। ये हमने अप्लाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लूँगी लैक्मे 9 to 5 का फाउंडेशन। इतना सा फाउंडेशन मैंने लिया है, देन पूरे फेस पे इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। एंड इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के लिए आप ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हो या फिर इस तरीके का ब्रश ले सकते हो। तो मैं अभी ब्रश से ब्लेंड कर दूँ। आप ब्यूटी ब्लेंडर लो या ब्रश लो, आपको इस तरीके से टैप टैप करना है, रब नहीं करना है, मतलब ऐसे ऐसे नहीं करना। ऐसे आप टैप टैप करते हो तो इससे आपका जो क्रीम है, फाउंडेशन है, जो भी चीज़ है, ईजिली ब्लेंड होती है उसी जगह पे और काफ़ी फिनिशिंग लुक आता है। लेकिन ऐसे रगड़ देते हो तो आपका जो ये क्रीम है आपके फेस पे केकी सा हो जाएगा और अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। बाद में केकी केकी सा होगा, मेकअप फट भी सकता है, इसलिए कभी भी ब्लेंड करते टाइम टैप टैप कीजिए, रगड़ना नहीं है, ओके। और आप चाहते हो कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे तो आपको क्या करना है, ब्लेंडिंग करते टाइम खास ध्यान रखना है इस चीज़ का, आपको अपना मेकअप फिक्सर लेना है एंड फेस पे फाउंडेशन के जस्ट बाद ही आपको इस तरीके से, अभी मैंने पूरा ब्लेंड नहीं किया है, एंड जो फिक्सर है उसको अच्छे से फेस पे इस तरीके से लगा लिया है। इससे क्या होगा, आपको कितना भी गर्मी होता हो, पसीना आता हो, आपका मेकअप जो है फाउंडेशन है वो बहेगा नहीं एंड ब्लैक नहीं पड़ेगा, HD लुक देगा ये आपके मेकअप को। तो इस तरीके से पूरा ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे ताकि जो वाइट दिख रहा है बहुत ज़्यादा वो थोड़ा स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद इसको दोबारा से ब्लेंड करेंगे।
तो अगर आप फेस का बेस बना रहे हो और आपका मेकअप ब्लैक पड़ जाता है एंड केकी पड़ जाता है, बहुत हैवी हो जाता है, तो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाले, वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को अभी से लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी मेकअप करते हैं और मेकअप में छोटी छोटी चीज़ें मिस्टेक करके उनका जो मेकअप होता है वो ब्लैक पड़ जाता है, लंबे टाइम तक नहीं चलता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर होने वाली हैं। इस तरीके से थोड़ी देर वेट करेंगे। अभी सिर्फ मैंने फाउंडेशन लगाया है, बेस के लिए कुछ भी नहीं लगाया है, डार्क सर्कल भी इजली हाइड हो गया है, यानी कि लैक्मे 9 to 5 का जो फाउंडेशन है वो फुल कवरेज देता है। तो आप इसको ले सकते हो। मैं इसको कम से कम ये इसकी एक्सपायरी डेट थी 3 साल की, अभी 1 साल हो गया, मैं 1 साल से इसको यूज कर रही हूँ। देखिए थोड़ी थोड़ी देर में इस तरीके से ब्लेंड कर लेना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा आपको डर है कि आपका मेकअप ब्लैक ना पड़ जाए, काला ना पड़ जाए, तो एक बार और सेटिंग स्प्रे लेंगे और पूरे फेस पे इस तरीके से कर देंगे एंड दोबारा से ब्लेंड कर देंगे। उससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो भी निकल जाएगा और आपका जो डर है कि मेकअप ब्लैक ना पड़ जाए, ज़्यादा टाइम तक टिकेगा या नहीं टिकेगा, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और बहुत 100% इफेक्टिव है, बहुत लंबे टाइम तक चलता है। मैं इस तरीके से मेकअप करती हूँ, तो सुबह से किया हुआ मेकअप रात के या अगले दिन सुबह तक चलता है। तो इस तरीके से मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है। तो फेस का बेस रेडी कर रहे हो तो ये ट्रिक फॉलो कीजिएगा, बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इससे। अब हम लोग लगाएंगे कंसीलर। कंसीलर जो है वो है मेरा 7C का, वाटरप्रूफ है, लॉन्ग टाइम तक चलता है ये भी। इस तरीके से हम कंसीलर कई लोग क्या करते हैं पूरे फेस पे अप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है, क्योंकि हमारा जो हाइलाइट्स पॉइंट होता है वहीं पे हमको कंसीलर अप्लाई करना होता है। और इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग के लिए आप फिर से वही बोलेंगे ब्यूटी ब्लेंडर या फिर ब्रश यूज कर सकते हो। उससे पहले ब्रश पे थोड़ा सा हम लोग सेटिंग स्प्रे इस तरीके से लगाएंगे एंड ब्लेंड करेंगे। देखा कितना इजीली ब्लेंड हो गया, जबकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो ब्रश से भी ब्लेंड करना बहुत इजी है और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। वाओ, तो इस तरीके से आप फेस का बेस बना सकते हो। छोटी छोटी मिस्टेक जो करते हो वो सारी क्लियर हो जाएंगे और HD लुक मिलेगा आपके मेकअप को। और इस तरीके से मैंने कंसीलर लगाया तो फेस को जो कंट्रोल करते हैं हम लोग वो कंट्रोल करते हैं जो वो इजीली हो जाएगा। यहाँ पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ज़्यादा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम लोग भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मेकअप लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता है एंड बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। हमारा ये एरिया अक्सर ब्लैक होता है, तो इस पर ज़्यादा देखना है ध्यान से। तो आपने देखा बहुत इजीली ब्लेंड हो गया और अच्छे से पूरा ब्लेंड हो गया है, और बिल्कुल भी कैमरे में एडिटिंग नहीं है, फिल्टर नहीं है, बिल्कुल नेचुरल कैमरा है ये। अब हम लोग कंसीलर को अपने आईज के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। कंसीलर अप्लाई करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ। कंसीलर आईज के ऊपर अप्लाई करने से पहले आपको अपनी आईब्रोज को फील कर लेना होता है, जिससे क्या होता है कि आपको जो आईब्रो का जो परफेक्ट शेप है वो मिलता है। तो हम लोग इस तरीके से आईब्रो को पहले नीचे से शेप देना होता है, फिर इस तरीके से साइड में दे देते हैं। तो इस तरीके से शेप दिया हुआ है, ऊपर की तरफ से आपको आगे से छोड़ के बैक साइड में इस तरीके से शेप देंगे। कभी भी आपको आईब्रो को फ्रंट से डार्क नहीं करना है, आपको बैक से ही डार्क करना है और धीरे धीरे फ्रंट की तरफ लेके आना है और इस तरीके से मिक्स करना है। तो इस तरीके से आप अपने आईब्रो को फील कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ करना होगा, या फिर इस तरीके से बराबर लेके जाओगे। वीडियो के एंड में बताऊंगी जो आपका डार्कनेस हो जाता है फेस पे या फिर बहुत वाइट लगता है वो सारी चीज़ों को कैसे आप ठीक करोगे। इस
तरीके से इधर भी मैंने लगा लिया है एंड इसको ब्लेंड कर देंगे आईब्रो फिलिंग कर के। इस तरीके से हमने अपने आईब्रो को फिल कर लिया है। अब हमको क्या करना है, अब आपका कंसीलर अप्लाई करोगे अपने आईज के नीचे। उसके लिए हमको क्या करना है, जस्ट आईब्रो के जस्ट नीचे से इस तरीके से कंसीलर को अप्लाई करेंगे। इससे क्या होता है कि हमारा आई मेकअप बहुत अच्छे से हो पाता है। अब इसको भी हम लोग ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंडिंग के लिए फिर से ब्रश को लेंगे, देन इस तरीके से ब्लेंड कर देंगे। आईज के ऊपर थोड़ा सा व्हाइट रह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग जब आई मेकअप करते हैं तो ये इसके कलर जो होता है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो पाता है एंड कलर लग पाता है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अपना बेस बता रही हूँ, फेस का बेस बनाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये कि हमने लगा तो लिया, बट आपको इसमें भी दिख रहा होगा कि बहुत हैवी लुक दिख रहा है मेकअप का, बहुत डार्क दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है मेकअप, ओवर लग रहा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अभी हमने इसको सेट नहीं किया है, कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं लगाया है एंड आपका जो मेकअप है अभी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके, तो उसके लिए हम लोग अपना कॉटन का कपड़ा लेंगे या फिर टिश्यू लेंगे ड्राई। उसके बाद जितना भी आपको एक्स्ट्रा लग रहा है आप मिरर ले लो सामने, देन इस तरीके से ईजिली धीरे धीरे करके निकालोगे। कई बार हम लोग ब्राइडल का भी करते हैं इस तरीके से, बहुत ज़्यादा हो जाता है मेकअप जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तब इस तरीके से निकालोगे जो भी एक्स्ट्रा आपको लग रहा है। जितना भी आपको लगे उतने भी आपको रोक देना है, आप चाहो तो कॉटन का भी यूज कर सकते हो। अब आपको जिससे आपने ब्लेंड किया था वो ब्रश लेना है, देन इसको दोबारा से ब्लेंड करना है। डे पार्टी के लिए मेकअप कैसे करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस पर वीडियो जा चुकी है तो आप चेक कर लीजिएगा जाके। मेकअप प्रोडक्ट जो होते हैं उसको आप जितना कम क्वांटिटी में यूज करोगे आपका मेकअप उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो आपने देखा फोरहेड का जो था वो बिल्कुल ब्लेंड हो गया, जितना हमको चाहिए उतना ही दिख रहा है। अब हम लोग अपने आईज के आसपास का करेंगे और फेस का करेंगे। अब ऑलमोस्ट जितना हमको चाहिए उतना मेकअप हमारे फेस पे दिख रहा है, एक्स्ट्रा हट चुका है। अब हम लोग यहाँ पे अपना पाउडर अप्लाई करेंगे, ये है लैक्मे का, लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस का स्किन लाइटनिंग कॉम्पैक्ट पाउडर है, SPF 23 है इसके अंदर। अब इसको हम लोग अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। ब्रश मिलेंगे, उसी ब्रश से मैं अप्लाई कर रही हूँ। अब आपका बेस जो है वो रेडी हो रहा है। अगर आपके पास लिक्विड ब्रश है तो आप कॉम्पैक्ट लगाने से पहले यूज कर लो। अब हम लोग यहाँ पे ब्लश अप्लाई करेंगे। ब्लश के लिए मैं यहाँ पे लिक्विड भी है मेरे पास, बट मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी पाउडर वाला ब्रश। तो इस तरीके से मैंने ब्लश यूज किया है एंड हाइलाइटर यूज किया है, तो ये बिल्कुल नेचुरल लुक आ रहा है। मैंने यहाँ पे ब्लश के लिए सी ब्यूटी का ब्लश एंड सी ब्यूटी का ही हाइलाइटर यूज किया है। अगर आपका फेस, मैंने लगा लिया कैमरा ऑन नहीं था सॉरी, अगर आपका फेस राउंड है तो आपको हमेशा ब्लश इस तरीके से यूज़ करना है। इससे क्या होगा आपका फेस जो है वो लॉन्ग दिखेगा, जैसे कि आपको मेरे फेस पे दिख रहा होगा।
इस तरीके से अप्लाई करना है। एंड हाइलाइटर भी जस्ट उसके ऊपर अप्लाई करना है। एंड आपका फेस अगर लॉन्ग है तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा अप्लाई करना है, इससे कि आपका फेस थोड़ा सा कट होगा एंड राउंड दिखेगा। ओके, तो इस तरीके से फोरहेड पे, चिक बोन्स पे, नोज पे एंड यहाँ पे ठोड़ी पे आपको प्लस हाईलाइटर यूज कर लेना है एंड ब्लश भी यूज कर लेना है। तो आपको अभी मेकअप में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल नेचुरल मेकअप लग रहा होगा। तो मिलते हैं फाइनल लुक के साथ एंड आई मेकअप करके। जो आई मेकअप का बोल्ड बता रही थी मैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, बट फाइनल लुक आप। तो ये है फाइनल लुक आई मेकअप का, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा लग रहा है या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा इसमें मैंने चेंज किया है क्योंकि मैंने यहाँ पे मैरून कलर का ग्लिटर अप्लाई कर दिया था आईज़ पे, जो कि इनके आईज़ पे ब्लैक कलर का है बस। बाकी और कोई डिफरेंट दिख रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छी लगेगी क्योंकि हुडी जाइज पे अक्सर लाइनर जो होती है वो अच्छे से नहीं लग पाती है, तो ये वाला बेस्ट रहेगा हुडी जाइज के लिए। तो आज की वीडियो आई होप के आपके लिए हेल्पफुल हो, अच्छी लगी हो। आई मेकअप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की इजी हेल्पफुल वीडियोज